है। सूर्य कुमार यादव ने वानखेड़े के मैदान पर आज गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ कर दिया है। 49 गेंदों का सामना किया, 103 रन की नाबाद पारी खेली, 11 चौके और 6 छक्के लगाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 210 का रहा। जैसे ही सूर्य कुमार यादव ने शतक लगाया, इंडियन फैंस को तुरंत बाबर आजम याद आने लगे। कई कोहली संस जो है वो बैठे बैठे ट्विटर पे ये ज्ञान पेलने लगे कि बाबर आजम ऐसी इनिंग्स पूरी जिंदगी में नहीं खेल सकता है, और बाबर आजम को नीचा दिखाने लगे। सूर्य कुमार यादव और बाबर आजम की कोई तुलना ही नहीं हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। सूर्य कुमार यादव तीसरे चौथे डाउन पे बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं, वही पे बाबर आजम जो है वो T20 फॉर्मेट में ओपनिंग करने के लिए उतरते हैं। तो चौथे नंबर के बल्लेबाज और ओपनर से तुलना हो ही नहीं सकती है। लेकिन जो लोग ये बात कह रहे हैं कि बाबर आजम ऐसी पारी कभी जिंदगी में नहीं खेल सकते, तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि बाबर आजम ने T20I इंटरनेशनल क्रिकेट में जो उन्होंने सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई है वो 49 गेंदों पर ही लगाई थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। साउथ अफ्रीका में जाकर 122 रन की कुल उन्होंने उस मैच में पारी खेली थी और अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका भी अदा की थी। तो जो स्टैट्स है वो तो कह रहा है कि बाबर आजम ऐसी पारी 4 साल पहले वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑलरेडी खेल चुके हैं। और मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूं कि जो एशियन बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा T20 फॉर्मेट में शतक अगर किसी बल्लेबाज ने लगाया, ना तो विराट कोहली, ना केएल राहुल, ना सूर्य कुमार यादव, बल्कि बाबर आजम के नाम ये रिकॉर्ड है। बाबर आजम ने सबसे ज्यादा 9 सेंचुरियां लगाई है T20 फॉर्मेट में, क्रिस गेल के बाद सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बाबर आजम बल्लेबाज है। तो पहली बात, ये जो गलत फहमी आप लोगों ने पाल के रखी है कि बाबर आजम ऐसी इनिंग्स नहीं खेल सकते, 4 साल पहले ही बाबर आजम ने ऐसी इनिंग्स खेल दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सूर्य कुमार यादव ने आज जो कारनामा किया है वो मतलब उसको अंडररेट किया जाए, भाई बिल्कुल भी नहीं। गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ किया, जो भी आया है पकड़ पकड़ के मारा है, दौड़ा दौड़ा के आज जो है सूर्या भाव ने उसको मारा है। लेकिन कुछ टॉक्सिक फैंस है हमारे यहां पे, इंडियन फैंस जितने भी है, उनको एक ऑब्सेशन सा हो चुका है कि अगर कोई भी बल्लेबाज रन्स बनाता है तो वो डायरेक्ट तुलना जो है अपने अब्बू यानी कि बाबर आजम से करने लगते हैं कि बाबर आजम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, बाबर आजम तो वैसा नहीं कर सकते। बाबर आजम ने जो T20 फॉर्मेट में जो कारनामा किए हैं वो अभी भी लिस्ट तैयार कर लीजिए, उसका रिकॉर्ड तोड़ना अभी भी बहुत सारे बल्लेबाजों के लिए मुश्किल सा है। 9 शतक कोई भी आज तक भारत के बल्लेबाज ने T20 फॉर्मेट में नहीं लगाया है। यह मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं बल्कि स्टैट्स के माध्यम से बोल रहा हूं। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच में इस समय मुकाबला खेला जा रहा है, और गुजरात टाइटंस के खिलाफ जो है मुंबई इंडियंस ने 218 रन बनाए, 219 रन का टारगेट है। सूर्या भाव ने आज गजब की इनिंग्स खेली, 103 रन की पारी खेली, लेकिन ईशान किशन ने भी अच्छा खासा योगदान दिया, 20 गेंदों में 31 रन की पारी खेली, 4 चौके 1 छक्का लगाया। विष्णु विनोद को भी जो है आज खेलने का मौका मिला, 20 गेंदों में 30 रन बनाकर जो है आज वो आउट हुए, 2 चौका 2 छक्का लगाया। और सूर्या भाव, भाई आपके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद।